हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पिन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2018 अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट का आज 6 अपडेट कर दिया है। आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट का अपडेट 2 घंटा पहले ही कर दिया गया था, लेकिन मैं किसी काम के वजह से बाहर गया था, इसी वजह से मुझे अपडेट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। सो आई होप यू ऑल डोंट माइंड। इस वीडियो में आप लोग को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना है आप लोग को, तो आप लोग देख लीजिए। मैं ये भी बता दूं कि 6 अपडेट में काफी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो आप लोग भी देख लीजिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ज्यादा अर्जेंट हो तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, और कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर में दिया हुआ कार्ड में लिंक जरूर देखे, उसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे स्टेटस अभी 25 फरवरी तक शो कर रहा है, जो पहले 22 फरवरी तक शो हो रहा था, यानी कि 3 दिन का रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है। जहां तक ग्रेड कार्ड का मैं बात करूं, तो ग्रेड कार्ड अभी 5th अपडेट तक ही अपडेट किया गया, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं किया गया है। 22 फरवरी तक अपडेट किया गया है, यानी कि आज अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा तो उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में अभी एड नहीं किया गया है। 1 या 2 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद से मैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट का रिजल्ट आज अपडेट में डिक्लेयर हुआ है। ये देख लीजिए, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा पहले कि जो रिवेल्युएशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी का भी स्टूडेंट्स का अगर मार्क्स कम आया है तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप रिवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सपोज किसी स्टूडेंट्स का मल्टीपल सब्जेक्ट है, जैसे इन एग्जाम्पल के तौर पर इनका दिखा रहा हूं मैं, इनका 2 पेपर है, ठीक है, BEG 101 और BEGF 101, ठीक है। एक सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 15 फरवरी को, दूसरा सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 18 फरवरी को, और दोनों में इनको रिवेल्युएशन कराना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का रिवेल्युएशन का डेट अलग अलग होता है। जैसे आप लोग को पता है कि विद इन 30 डेज आप लोग का रिवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो ये BEG 101 जो है उसका 15 फरवरी से काउंट होगा 30 डेज, ठीक है, और BEGF 101 है वो 18 फरवरी से काउंट होगा। जिस दिन रिजल्ट अपडेट होता है वेबसाइट पे उसी डेट से काउंट होता है, ठीक है। सबका एक ही डेट पे नहीं रहता है रिवेल्युएशन का लास्ट डेट, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डेट पे रिवेल्युएशन का लास्ट डेट रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग काउंट करना, एक ही डेट पे नहीं रहता है, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो 6 अपडेट हुआ है उसमें। इसमें काफी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, थोड़ा लिस्ट लंबा है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। MLI 101 का अपडेट किया गया है, MLI E 106 का अपडेट किया गया है, BSHF 101 का अपडेट किया गया है, MEG 01, BLIS 222, EPS 11 का अपडेट हुआ है, NC 01, BG 101 का अपडेट हुआ है, ECO 9, EPS 7, MEG 03, MEG 06, MEG 07 का अपडेट हुआ है, MEG 10 का भी अपडेट हुआ है। MEG के बहुत सारे पेपर अपडेट हुए हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। MEG 11 के भी अपडेट हुए हैं आज, MPA 11, MPA 12, MPA 14 के अपडेट हुए हैं, AED 01 जो अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स का पेपर है वो अपडेट हुआ है, BSD 101, BG 102 अपडेट हुए हैं, FST 01, ESO 14, BG 103, EPS 11, FST 01, FEG 01, FEG 02 के भी अपडेट हुए हैं, EEG के भी 06 अपडेट हुए हैं, MPS पेपर में MPS 001, MPS 002, MPSC 03, MPS 04 अपडेट हुए हैं, EHI के पेपर में EHI 01 के ही अपडेट मिले, और कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। ECO के पेपर में ECO 2, ECO 7, ECO 3, ECO 5, ECO 12 के अपडेट देखने को मिले हैं, ECO 13 भी अपडेट हुए, ECO 14 भी। ECO के जितने सारे पेपर थे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के अपडेट किए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पेंडिंग बचा हुआ है, तो जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसको नेक्स्ट अपडेट तक वेट करना पड़ेगा। EPA के पेपर में EPA 01 अपडेट हुए हैं, BG 107 अपडेट हुए हैं, IBO के पेपर में IBO 01, 02, 03, 05, 06 अपडेट हुए हैं, IBO के काफी पेपर अपडेट हुए हैं, EPS 3 भी अपडेट हुआ है आज, NC 01, EHI 07, BG 107 भी अपडेट हुआ है, MSO के MSO 01, MSO 02 भी अपडेट हुए हैं, ESO के ESO 12 अपडेट हुए हैं, FST 01, LAC 09, LAC 07 भी अपडेट हुए हैं, मैथमेटिक्स में MTE 02, MTE 01, MT 4, MT 5 भी अपडेट हुए हैं। तो ये सारा मुझे अपडेट देखने को मिला है, काफी सब्जेक्ट के आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, काफी सब्जेक्ट के, तो आप लोग भी चेक कर लीजिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं आप लोग, और ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप लोग को कॉल करना होगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था रिवेल्युएशन के रिलेटेड, तो वो भी डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई अदर डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।